अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग जॉब इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज भी हम चेक करेंगे कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, और सबसे पहले चलते हैं पेज की जानिब और हम जाएंगे सबसे पहले पोस्ट पे, देन चेक करते हैं कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड, हम यहाँ पर आ गए हैं और आपको पता है कि यहाँ पर टोटली जो इस पेज पर आपको अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, तो लाजमी सर्च करा करें, और अगर आपको कोई अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो लाजमी चेक करा करें, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आपको आसानी हो अप्लाई करने में। सो फ्रेंड, चलते हैं जॉब की जानिब। और सो फ्रेंड, ये सारी न्यू जॉब्स हैं, अर्जेंट अकाउंटेंट रिक्वायर, जूनियर अकाउंटेंट रिक्वायर। सो फ्रेंड, हम चलते हैं इस जॉब पे, चेक करते हैं कि क्या इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं यहाँ पे और चेक करते हैं अकाउंटेंट रिक्वायर इन दुबई, मैनेज रियल इस्टेट अकाउंट्स, प्रिपेयर रेवेन्यू कॉस्ट रिपोर्ट्स, मेंटेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड, ये एक अकाउंटेंट रिक्वायर है जो कि ये रियल इस्टेट है, और इनके तमाम जो भी मैनेज करने हैं आपको रियल इस्टेट के हवाले से अकाउंट है, जो कि प्रिपेयर रेवेन्यू कॉस्ट रिपोर्ट एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़, जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इनके ऑफिस से रिलेटेड है, उनको सबको मेंटेन करना है और मैनेज करना है, इनके जो भी रेवेन्यू और कॉस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो बनानी होगी वो सब चीज़ें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये एक रियल इस्टेट कंपनी है और ये फुल टाइम जॉब है, और जो सैलरी मेंशन है वो तकरीबन है 4 से 6 हज़ार रुपये, और ये डिसाइड की जाएगी आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये चीज़ें सारी डिस्कस होंगी, और इसके अलावा जो अदर बेनिफिट हैं वो भी आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सो फ्रेंड, अगर आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं और आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है तो ये आपके लिए अच्छी सूटेबल जॉब है। तो इसका अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम इस लिंक पे जाएंगे। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं इस पेज पे और ये सारी वही डिटेल हैं जो कि प्रीवियस पेज पे थी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई के बटन पर प्रेस करना है, देन आपसे ये पूछता है कि आप किस अकाउंट से कंटिन्यू होना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम जीमेल पे ऑलरेडी लॉगिन है तो हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप फेसबुक से भी कंटिन्यू करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, और एप्पल की आईडी से भी कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये लॉगिन जो है हमारा अकाउंट हो गया है और लिंक कर दिया है इस अकाउंट ने, देन ये ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होगा। सो फ्रेंड, अब देखते हैं, ये देखें जहाँ पे बटन था वहाँ पे एक ये शॉर्ट फॉर्म आ गया, और बहुत ही इजी फॉर्म है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको सिर्फ अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए होते हैं, तो इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं। इसी तरह जेंडर है, आपने टिक मार्क करना है उसको, नेशनलिटी है, आपकी लोकेशन क्या है करंट, और आपका जो एजुकेशन जो लास्ट डिग्री होगी वो आप इस पर मैंशन करेंगे, देन आपका अकाउंटिंग में कितना एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करेंगे, इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कहाँ हैं वो आप मेंशन करेंगे, और अगर नहीं है तो करंटली अनएम्प्लॉय कर देंगे, और सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है, और नोटिस पीरियड अगर आप ज्वाइनिंग आपके सिलेक्ट होते हैं तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन में ज्वाइनिंग देंगे, और वीज़ा स्टेटस आपका क्या है वो आप मेंशन करेंगे, देन आप अपने बारे में एक शॉर्ट समरी डिस्क्राइब करेंगे जिसमें आपके स्किल्स भी हों, और फाइनली जो है आपको ये काम लाजमी करना है, अपलोड करनी है आपको करंट अपडेटेड सीवी। देखिए दोस्तों, ये लाजमी प्रोसेस ये करना है, फॉर्म तो आप करेंगे और इसके अलावा ये भी लाजमी आपने करना है कि आप सीवी, अपनी अपडेटेड सीवी लाजमी अपलोड करें, क्योंकि इसी से कंपनी को आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स के बारे में सही से पता चलता है, तो उनको भी आसानी होगी आपको सिलेक्ट करने में और आपके लिए भी। सो फ्रेंड, जब ये प्रोसेस हो जाएगा आप अप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड, आपकी जो सीवी है इनके डिपार्टमेंट में चली जाएगी, और जैसे इनका प्रोसेस शुरू होगा और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। सो फ्रेंड, ये प्रोसेस था इस जॉब का, बहुत ही ईजी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।